हैमलेट अ मॉडल आंसर या क्वेश्चन नंबर देना है. हैमलेट इज अ पावरफुल रिवेंज ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर. ही इज ऑफ द 16th सेंचुरी. इज इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडीज आर हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर एंड ओथेलो. हैमलेट इज अ लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर. इट इज अ प्रॉब्लमैटिक प्ले, समस्या से भरा हुआ. द हीरो ऑफ द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द प्ले इज हैमलेट. इज एन इंटेलिजेंट एंड सेंसिटिव मैन. हैमलेट सेज माई फादर स्पिरिट इन आर्म्स, ऑल इज नॉट वेल. उसके पापा मर गए हैं और भूत बन के परेशान कर रहा है, कुछ शांति नहीं, ऑल इज नॉट वेल. क्लॉडियस हैमलेट्स अंकल पोर्स पॉइजन इन टू द ईयर ऑफ हैमलेट्स फादर. उसके चाचा है ना, उसके कान में जहर डाल देते हैं हैमलेट के पापा के मारे. जेट्रूड द मदर ऑफ हैमलेट मैरीज क्लॉडियस. और माँ का भी हाथ है मॉडल में, और चाचा ये शादी कर लेता है माँ, उसकी माँ. क्लॉडियस वॉन्ट्स टू बिकम द किंग ऑफ स्कॉट डेनमार्क. और मार के अपने भाई को राजा बनना चाहता है. प्रिंस हैमलेट इज आगे सराउंडेड विथ सॉरो. ठीक है, देखो थोड़ा तो प्रिंस हैमलेट कष्ट से घिर गया था. मैन डिलाइट्स नॉट मी, कहता आदमी से मुझे खुशी नहीं होती, आदमी से मिलकर. द गोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर अपीयर्स. इसे कोटेशन दीजिएगा. भूत आता है हैमलेट के पापा को, क्या कहता, आई एम दाई फादर्स स्पिरिट डूम्ड फॉर अ सर्टेन टर्म टू वॉक इन द नाइट. हम तुम्हारे पापा का भूत है और हमको कुछ समय तक रात हुई को कायदे चलना है. भयंकर ड्रामा है. द गोस्ट वॉन्ट्स द मर्डर ऑफ शुड बी अवेंज्ड. और भूत क्या चाहता है, उसको जो मर्डर किया है उसका मर्डर बदला लेना है उसको. दिस इज हैमलेट ड्यूटी. और किसका ड्यूटी है, ये पुत्र का ड्यूटी है कि बाप के मर्डर का बदला ले. द घोस्ट टेल्स हैमलेट टू बी काइंड टू हिज मदर. घोस्ट कहता है मम्मी पर कोई एक्शन मत लेना, भगवान जो करेगा करेगा, लेकिन तुम अपने चाचा को खत्म करो. हैमलेट डिसाइड्स टू एक्ट लाइक ए मैडमैन. ये क्या कर, एक्टिंग करता है पागल जैसा. द किंग एंड द क्वीन थिंक दैट हैमलेट्स मैडनेस इज बिकॉज हैमलेट हैज फॉलन इन लव. और राजा रानी सोचते हैं ना क्या ये प्यार हो गया इसीलिए पागल ऐसा करता है. इसकी में आ गए हम. हैमलेट हैमलेट लव्स ओफिलिया. इन दिस सॉरो ही निगलेक्ट्स हर एंड बिकम्स अनकाइंड टू हर. दुख में वो प्यार नहीं देता है और कड़वा कड़वा बात बोल देता है. क्वीन वॉन्ट्स दैट हैमलेट शुड एक्सेप्ट क्लॉडियस एज हिज फादर. तो रानी क्या चाहती है कि हैमलेट क्लॉडियस को अपने अंकल को पापा मान ले. हैमलेट बिकम्स ऑफ गुस्सा आ जाता है. कैचेज हिज मदर रिस्ट. वो मम्मी का भाग कस के पकड़ लेता है और दर्द के मारे उसकी माँ जो है हेल्प हेल्प चिल्लाती है. पोलोनियस ओफिलियस फादर कम्स फॉर हेल्प. पोलोनियस आ जाता है उसके बाद बाई मिस्टेक हैमलेट किल्स पोलोनियस. धोखा से पोलोनियस को मार देता है, तो अपने ससुरे को. द किंग सेंड्स हैमलेट टू इंग्लैंड इन ऑर्डर टू सेव हिम फ्रॉम द चार्ज ऑफ मर्डर. बहाना करता है तुम इंग्लैंड चले जाओ मर्डर का चार्ज तुम्हें, लेकिन असल में उसको मरवाना चाहता है. इन द शिप हैमलेट कम्स टू नो अबाउट द किंग्स इविल इंटेंशन. को पता चल जाता है तो भेजा जा रहा है मरवाने के लिए. हैमलेट रिटर्न्स टू डेनमार्क. वो अपना देश लौट आता है. ओफिलिया बिकम्स सेंसलेस. होश खो देती है अपने पापा के मरने के बाद बिकॉज ऑफ द वायलेंट डेथ ऑफ हर फादर. शी फॉल्स इनटू अ ब्रूक एंड डाइज. क्या कहते हैं, ओफिलिया जवान लड़की है, झरना में डूब के मर जाती है. टुमारो इज सेंट वैलेंटाइंस डे. ओफिलिया एक दिन पहले मरती है, बड़ा दुखद उसका मौसम. चलिए हम स्टेज फोर में आ गए. हैमलेट फाइंड्स लैरिटीज ओफिलियाज ब्रदर इन द ग्रेवयार्ड. कब्रिस्तान में उसका भाई है, ओफिलिया का भाई है. हैमलेट वॉन्ट्स टू बेरी हिमसेल्फ. वो कहता हम भी मर के दब के मर जाएं इसमें कब्र में. यू से सॉरी टू लैरिटीज. लैरिटीज माफ़ी मांगता है. आई लव ओफिलिया. हम उसको प्यार करते थे. 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विथ ऑल द क्वान्टिटी ऑफ लव मेकअप. कहता हम 40,000 भाई भी मेरे प्यार को मेकअप नहीं करता. हम इतना प्यार करते थे ओफिलिया को, लेकिन उसे गलती हो गई. द किंग मिसगाइड्स लैरिटीज टू चैलेंज हम. लेकिन राजा जो है उसको लैरिटीज को, देखो तुम्हारे पापा को मार दिया है, अब तुम इसको मारो. किंग टेल्स लैरिटीज टू पॉइजन हिज सॉर्ड. कहता तलवार में जहर मिला लो. ये सब नजायज तरीका है लड़ने का. द क्वीन ड्रिंक्स जो जहर जो है. द क्वीन ड्रिंक्स द पॉइजन प्रिपेयर्ड फॉर हैमलेट. हैमलेट को फाइटिंग के करने वक्त वो चाचा उसको शराब देते, पी को लो बढ़िया से लड़ो. लेकिन वो लड़ने में लगा हुआ है, अपनी मम्मी को दे देता है शराब, तुम धरो उसको. और उसकी माँ पी लेती है. शी डाइज जहर पी के. हैमलेट टर्न्स टुवर्ड द किंग एंड थ्रस्ट द पॉइजन सॉर्ड इनटू हिज अंकल्स हार्ट. वो जहरीला तलवार जो है वो लेकर अपने चाचा के कलेजा में भोग देता है. वेनम टू दाई वेमन. जहर को जहर दे दिया.
मार देता है कुछ अच्छा। इन दिस वे हैमलेट कीप द प्रॉमिस ही हैज मेड टू हिज फादर, इसीलिए अपना वादा निभाता है और बदला ले लेता है। हैमलेट रिक्वेस्ट हिज बुजम फ्रेंड ओरेशियो टू लिव, ओरेशियो कहता है तुम जिंदा हो तो मारे तुम जिंदा, हिज फ्रेंड शुड नैरेट हैमलेट्स स्टोरी टू द वर्ल्ड, कहता है तुम जिंदा रहकर मेरी कहानी दुनिया को सुना। इन दिस ड्रामा कैरेक्टर इज डेस्टिनी, ये इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो सो यू रीप। इन किंग लियर देयर इज फूलिशनेस, मूर्खता के कारण ही मरता है, और चलो में जलन के कारण, इन हैमलेट वॉल्टिंग एम्बिशन का हैमलेट इन डिसीजन क्या टू बी और नॉट टू बी, ये टू बी, ये कोटेशन दीजिएगा टू कंक्लूड टी सिलेक्ट कॉल्स हैमलेट, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, टी सिलेक्ट कॉल्स हैमलेट द मोनालिजा ऑफ लिटरेचर। मोनालिजा का पीछे समझ में नहीं आया क्या मुस्कुरा रही है क्या कर रही है, तो उसी तरह ये दिमाग में समझ में नहीं था क्या हो रहा है। इलियट थिंक्स दैट द प्ले इज एन आर्टिस्टिक फेलियर, इलियट कहता है ये ड्रामा जो आर्टिस्टिक फेलियर है, बट इन आर ओपिनियन हम लोग का विचार क्या, हैमलेट इज अ ग्रैंड ट्रेजेडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।